कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 01, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सिटी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली। तारं कर्म भूवृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। व्रतों के पालन के लिए और कौन सी भावनाएं हों ताकि व्रतों को दृढ़ता से पाला जाए, उसका सूत्र देखते हैं। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। बोलिए। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत माने संसार और काय माने शरीर, इनका स्वभाव वा इनके स्वभाव का निरंतर चिंतवन करते रहना चाहिए। किस लिए? संवेग संसार से भयभीत पने के लिए, और वैराग्यार्थम संसार शरीर भोगों से वैराग्य के लिए। अगर संवेग भाव है, संसार में रुचि का अभाव है, तब व्रतों का पालन बहुत अच्छी तरह होगा। यदि संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो गया है और निरंतर वैराग्य वृद्धि पर है तो व्रतों का पालन बहुत अच्छी तरह से होगा। अर्थात व्रतों के पालन के लिए संवेग और वैराग्य परिणाम बहुत सहकारी हैं। अब संवेग परिणाम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? संसार के स्वरूप का चिंतन करें। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के सगे हैं, सब कहते ज़रूर हैं मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो, पर वास्तव में कोई किसी का नहीं। जब तक किसी का मतलब सतता है तब तक तू मेरा और मैं तेरा है, उसके बाद कोई किसी का नहीं होता। इसलिए संसार असार है, इसमें रुचि क्या करनी। इसलिए संवेग भाव वैराग्य के लिए किसका चिंतन करे? काय स्वभाव, शरीर के स्वभाव का। इस शरीर में क्या रति करनी? जब तक इसके ऊपर चमड़ी है तब तक ये चिकना चुपड़ा चमकदार दिखता है, जब इसको अंदर से ज़रा देखा जाए ना तो अंदर तो मल मूत्र से भरा हुआ ऐसा निंदनीय है, ऐसा निंद्य है जैसी संसार में और कोई वस्तु है ही नहीं। तो निरंतर अगर संसार का और शरीर का चिंतन करता है तो इसका संवेग और वैराग्य निरंतर बना रहता है और वृद्धि को प्राप्त होता है, जिसके कारण व्रतों का पालन बहुत अच्छी प्रकार निर्दोष और सकुशलता से हो जाता है। इसलिए व्रत धारण करने वाले को चाहिए कि वो निरंतर संसार और शरीर के स्वरूप का चिंतन करते रहें ताकि संवेग और वैराग्य उनका बना रहे और वृद्धि को प्राप्त होता रहे। पांच पापों को त्याग करके व्रतों को धारण करने के लिए और व्रतों को धारण करके उनकी सुरक्षा, उनके अच्छी तरह पालन के लिए किन किन भावनाओं की चर्चा होनी चाहिए, उन सब बातों की चर्चा हुई। अब प्रसंग आता है कि जो पांच पाप हैं उनकी परिभाषा क्या है।
उस परिभाषा को आचार्य आगे बता रहे हैं। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, बोलिए प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात प्रमाद के योग से प्राण व्यपरोपणम किसी के प्राणों का घात करना हिंसा है। फिर देखें एक बार, प्रमत्त योगात प्रमाद के योग से, प्रमाद 15 प्रकार का, 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह, इनके आश्रित होते हुए इनके कारण। फिर देखें विकथा 4, कषाय 4, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह, इनके आश्रित इनके अधीन होकर यदि किसी के प्राणों का घात किया जाता है तो उसका नाम हिंसा है। यदि प्रमाद का योग नहीं है और जीव हिंसा है तो हिंसा नहीं है। बोलो, घर में महिलाएं सब्जी है आटा आदि पीसने की क्रियाएं जो करती हैं, देख के भी करती हैं, फिर भी हिंसा तो होती ही होगी, क्या इसमें हिंसा का पाप नहीं लगेगा? क्या उनके प्रमाद का योग है, पूरी सावधानी है, पूरी देखभाल करके जब कर रही है ना, तो फिर उनको हिंसा का पाप क्यों लगेगा? हमने पहले ही बताया मुनि महाराज चलते हैं ना, अच्छी तरह से देख शोध के चलते हैं, जीव हिंसा होती है पर वहाँ प्रमाद का योग ना होने से प्राण घात होने पर भी हिंसा नहीं मानी जाएगी। हिंसा वहाँ है जहाँ प्रमाद का योग है, प्रमाद का योग नहीं हिंसा नहीं। देखो एक मछियारा है, तालाब के किनारे मछली पकड़ने के लिए दिन भर कोशिश कर रहा है, एक भी मछली शाम तक पकड़ में नहीं आई। हम पूछते हैं उसको हिंसा लगेगी या नहीं? खूब लगेगी। प्रमाद का योग है, चाहे जीव हिंसा प्राण घात ना हो तो भी हिंसा लगेगी। इसलिए प्रमाद का योग नहीं है और फिर भी जीव घात अगर होता है तो उसमें हिंसा का भागी वो व्यक्ति नहीं होता। आजकल बच्चे शक्कर के घोड़े हाथी इत्यादि खाते हैं तो क्या उसमें हिंसा का दोष है अथवा नहीं? क्यों नहीं है, आत्म परिणामों की हिंसा तो हो ही रही है। क्या खाया मैंने, आज एक हाथी खाया, मैंने आज दो घोड़े खाए, दोष तो लगेगा। आजकल बच्चों के शौक बड़े अजब हो गए, आजकल बच्चे टीवी के सामने बैठ जाते हैं और ठें 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 वाले वो देखते रहते हैं एपिसोड्स, उनको देखने से परिणामों में अनुमोदना रूप होने से पाप लगता है। हिंसा नहीं कर रहे हैं फिर भी अनुमोदना तो है, बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, और मारो और मारो, उसमें हिंसा का दोष लग जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ प्रमाद है, जहाँ जहाँ कषाय है, वहाँ हिंसा है चाहे हो या ना हो। मुनिराज को आहार दिया जाता है मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि कह के, यदि हमारे आहार में शुद्धि ना हो तो मुनिराज को दोष लगेगा क्या? क्या मुनिराज ने कोई प्रमाद किया? मुनिराज का तो इतना कर्तव्य था कि आहार देने वाले से शुद्धि बुलवा लें। उन्होंने कहा मन वचन काय की शुद्धि और आहार की शुद्धि है, इतनी शुद्धि है तो वो आहार ग्रहण करेंगे। अगर आहार की अशुद्धि है पाप का दोष आपको पाप लगेगा, मुनि महाराज को नहीं लगेगा। लेकिन मुनि महाराज जानते हैं कि इसके यहाँ आहार अशुद्ध बना होगा और फिर भी अगर आपने आहार शुद्ध बनाया हो और शुद्ध आहार लिया हो फिर भी उनको दोष लगेगा, क्योंकि वहाँ प्रमाद का योग है। इसलिए हिंसा जहाँ प्रमाद का योग है, प्रमाद का योग नहीं तो हिंसा नहीं। हिंसा पर विचार हुआ, अब झूठ पर विचार किया जाता है। असदभिधान मन ऋतम बोलिए असदभिधान मन ऋतम। हम संधि विच्छेद कर लें, असत अभिधानम अनृतम। असत जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा अभिधानम माने कहना झूठ है। है कुछ कहना कुछ, था कुछ बताना कुछ, इसका नाम झूठ है। हम इसका अर्थ ये भी कह सकते हैं, असत माने जो अकल्याणकारी है ऐसा अभिधानम उसका प्रतिपादन करना,
अकल्याणकारी वचन बोलना ये भी झूठ है। ऐसे वचन जो चाहे सत्य हों पर दूसरे को चुभने वाले हों, कर्कश हों, पाप में प्रवृत्ति कराने वाले हों, तो भी उनको बोलना झूठ है। मान लो किसी ने कहा, आँखों के लिए मैं किसी में क्या चीज़ ज़्यादा खाऊं? और मान लो आपने कह दिया, आँखों के लिए गाजर का खाना बड़ा फ़ायदेमंद होता है। आपने उसको बोला, तुम गाजर ज़्यादा खाओ। तो गाजर, क्योंकि गाजर खाने में पाप लगता है और आपने अकल्याणकारी वचन बोले हैं, तो चाहे आपकी बात सत्य हो फिर भी झूठ में गर्भित तो होगी। क्यों? क्योंकि असत अभिधानम अनृतम, अकल्याणकारी वचन बोलना झूठ है। इसलिए हमेशा बोलना कैसा चाहिए? जो कल्याणकारी हो, आगम के अनुसार हो, प्रशस्त हो, ऐसे वचनों को बोलना सत्य है। किसी को सुधारने के लिए अगर डांट डपट किया जाए तो उसको सत्य माने कि असत्य? नियत क्या है? परिणाम तो ये है ना, किसी तरह से ये सुधर जाए, इसकी गलत आदत ठीक हो जाए, ये छात्र है नहीं पढ़ता है पढ़ने लग जाए, नियत तो अच्छी है ना। तो नियत अच्छी होने के कारण वह असत अभिधान नहीं माना जाएगा, वह सत्य अभिधान माना जाएगा। अख अर्थात वे वचन प्रशस्त वचन हैं, कल्याणकारी वचन हैं, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए वचन हैं। कभी कभी तो आचार्य होते हैं, वे भी मुनि महाराज को या अपने शिष्यों को डांट लगाते हैं अगर कोई गलती हो जाए। वहाँ उनका अभिप्राय क्या रहता है कि इसने जो चारित्र धारण किया है वह निर्दोष पालन हो तो अच्छा है। हमेशा हमारे अभिप्राय के अनुसार उसमें असत्यता या सत्यता का भाव आता है। यहाँ अभिप्राय अच्छा है इसलिए वचन प्रशस्त हैं, कल्याणकारी हैं, उसको सन्मार्ग पर ले जाने वाले हैं, अतः कड़े होने के बावजूद भी झूठ में नहीं आएंगे। कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं किन्हीं मुनि महाराज को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में रात्रि भोजन की बुराई की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं जो रात्रि में भोजन करते हैं वे निशाचर हैं, वे राक्षस माने जाएंगे। यद्यपि बात कड़ी है और लोगों को चुभती है, लेकिन अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है, रात्रि भोजन इनका छूट जाए तो ये बहुत पाप से बच जाएंगे। अभिप्राय के अनुसार उन वचनों में सच्चा और झूठापना आता है। घर में महिलाएं सामान थोड़ा सा होने पर भी ये कहती हैं, ये सामान खत्म हो गया, तो ये झूठ में आएगा या सच में? उनका अभिप्राय गलत नहीं है, अकल्याणकारी नहीं है। वो चाहते हैं आज कहेंगे तो कल परसों तक सामान आ जाएगा, इसलिए आज वो इस तरह कह रही हैं, सामान खत्म हो गया। उनका अभिप्राय क्या है? घर की सारी व्यवस्था ठीक तरह चलती रहनी चाहिए। ऐसे इसलिए, इस कारण से ऐसा कहने पर भी इसको हम झूठ में नहीं मानेंगे। उन्होंने किसी के नुकसान की दृष्टि से, किसी के अहित होने की वजह से ये नहीं बोला, उन्होंने घर की व्यवस्था सही चलने के कारण बोला है, इसलिए ये वचन उनका प्रशस्त है, अप्रशस्त नहीं, झूठ की कोटी में नहीं आएगा। अब हिंसा और झूठ के बाद चोरी की परिभाषा। अदत्तादानम स्तेयम, अदत्तादानम स्तेयम, बोलिए अदत्तादानम स्तेयम। संधि विच्छेद करके अगर पढ़ेंगे ना सूत्र को, तो सूत्र दिमाग में दिल में उतर जाएगा। अदत्त आदानम स्तेयम, अदत्त माने बिना दी हुई वस्तु का, आदानम माने ग्रहण करना चोरी है। कोई वस्तु है और वो दी नहीं गई है और आप अगर उसे ग्रहण करते हैं उसका नाम चोरी है। कितना सुंदर सूत्र लिखा है, अदत्त आदानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना चोरी है। आचार्य श्री अपने प्रवचन में बहुत सी बातें बताया करते हैं चोरी के मामले में। एक बार उन्होंने बताया था, समाज का कोई एक व्यक्ति है और वो दान नहीं देता या बहुत थोड़ा दान देता है, उससे दान निकलवाना है तो क्या करते हैं, समाज के चार छः लोग मिलके उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं, भाई मंदिर में ये काम होना है, आपको रुपए देने हैं।
वो कहता है इस साल तो व्यापार नहीं चला, बड़ा मंदा है, मैं कैसे दूंगा। बोले फिर भी कुछ तो लिखाओ। वो कहता है अच्छा 1100 रुपये लिख लो। बोले नहीं 1100 से काम नहीं चलेगा, हमें तो 11000 ही लेने हैं। वो कहते हैं नहीं दे पाऊँगा। और उनमें कोई बड़ा अध्यक्ष मंत्री होता है, वो कहता है नहीं नहीं इनकी रसीद काटो 11000, इनसे तो 11000 ही लेंगे, बड़े सेठ जी हैं, देते नहीं हैं, क्यों नहीं देते हैं। अगर ऐसा करके भी दान लिया जाता है तो वह चोरी है। क्यों चोरी है? उन्होंने दिया नहीं, आपने खींच लिया है। अदत्त आदानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना चोरी है। मैं अपने मित्र के पास गया और मैंने देखा उसके जेब में पेन लगा हुआ है, बहुत अच्छा, मान लो 500 रुपये का पेन। मैंने उनसे कहा आज पेन बहुत अच्छा है, ये पेन मुझे दे दो। उसने कहा ये नहीं दूंगा, ये तो मेरी माँ ने मुझे अपने जन्मदिन पर भेंट किया है, ये नहीं दूंगा। नहीं नहीं मैं तो इसको लेके ही जाऊंगा। और मैं जबरन उसके सामने अगर वो पेन जबरन लेके आ जाता हूँ तो चोरी है। क्यों? अदत्त आदानम, उसने दिया नहीं है, आपने ले लिया है। परिभाषा कितनी सुंदर है, बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना चोरी है। सड़क पे हम जा रहे हैं, किसी की कोई चीज़ गिरी पड़ी है वहाँ पर, अगर हमने ले लिया तो चोरी है। क्यों? उसने दिया नहीं है, गिरी पड़ी है, इसलिए चोरी है। इसलिए परिभाषा बहुत स्पष्ट हो गई, बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना चोरी है। हमने एक मकान खरीदा और मकान की जब नींव खोद रही थी तो उसमें कुछ संपत्ति निकली, हम उस संपत्ति को ग्रहण करें या नहीं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने आपको मकान बेचा है, संपत्ति नहीं बेची। आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप उनके पास जाके कहें आपके मकान में ये संपत्ति निकली है, ये आप ग्रहण करिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। और मान लो वो भी वृत्ति है, अब वो कहता है नहीं नहीं ये संपत्ति मेरी नहीं है, फिर क्या बनता है? फिर उस संपत्ति को दान में दे दीजिए। एक बड़ा अच्छा प्रसंग मेरे सुनने में आया था, सुना दूं। एक सज्जन, सत्य घटना है, एक सज्जन लोहे की सरिया खरीदने गए, लोहे की सरिया खरीद के लाए, जब उन्होंने उनको काटा तो अंदर से सोने की निकली। वे उन सोने की सरियाओं को उसके पास ले गए, भैया भूल से आपने मुझे क्या दे दिया, मैंने तो आपको लोहे की सरिया के पैसे दिए हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने तो इनको लोहे के भाव में खरीदा और लोहे के भाव में बेचा, ये मेरी नहीं है। अब क्या करें? नहीं नहीं आप ले जाओ, मेरी नहीं। तो वो उसको ले आए। अब उन्होंने उनको रख तो लिया, एक मुनि महाराज आए और उनसे बोले महाराज ऐसे ऐसे मेरे पास इतने सोने की सरिया रखी है, मैं इनका क्या करूं? तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक सोने की मूर्ति बनवा दो। सोने की मूर्ति बनवा दी। जब उसकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का अवसर आया तब पंडित जी ने पूछा इस पर किसका नाम लिखा जाएगा, तो उन्होंने कह दिया मेरा नाम नहीं लिखना, क्योंकि ये सोना मेरा नहीं है, ये है अदत्त आदानम स्तेयम। अगर वो उस पे अपना नाम लिखा देते हैं तो चोरी का दोष लगता है, तुम्हारा सामान नहीं था, तुमने अपनी बताई क्यों। इस तरह बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना ये चोरी है। अब कुशील पाप की परिभाषा, मैथुन मब ब्रह्म, मैथुन मब ब्रह्म, बोलिए मैथुन मब ब्रह्म, संधि विच्छेद मैथुनम अब्रह्म। स्त्री पुरुष की जो राग सहित वासना पूर्ण क्रिया होती है उसे कहते हैं मैथुन, और मैथुन को कहते हैं कुशील पाप। मैथुनम अब्रह्म, मैथुन रूप परिणाम होना ये कुशील नाम का पाप है। चार पापों की परिभाषा हुई, अंतिम परिग्रह पाप की परिभाषा आचार्य लिख रहे हैं। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, बोलिए मूर्छा परिग्रह। मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम, मूर्छा का मतलब होता है यह मेरा है, ऐसे परिणाम का नाम परिग्रह है।
परिग्रह किसे कहते हैं? जो आत्मा को चारों ओर से आसमंता चारों ओर से जकड़ ले उसका नाम होता है परिग्रह। और ये परिग्रह क्या है? मूर्छा। मूर्छा माने ममत्व परिणाम। किसी वस्तु के साथ यह मेरा है ये जो परिणाम है उसे कहते हैं परिग्रह। अगर मुनि महाराज जी ने दीक्षा के वक्त सब कुछ त्याग दिया किंतु अगर उनके उस वस्तु के प्रति फिर से उनका ममत्व है तो क्या वो परिग्रह के अंतर्गत आता है? बिल्कुल परिग्रह ही माना जाएगा और वो परिग्रह परिणाम उनको फिर अधोगति में ले जाने का कारण होगा। श्रेणिक चरित्र में एक दृष्टांत हम पढ़ते हैं। श्रेणिक महाराज जब भगवान महावीर के समव शरण में जा रहे थे तो रास्ते में एक मुनि महाराज ध्यानस्थ थे। ध्यानस्थ मुनि महाराज के बारे में उन्होंने श्रेणिक महाराज ने देखा, नमोस्तु किया, आगे बढ़े, गणधर स्वामी से पूछा, रास्ते में जो महाराज मिले थे वे महाराज कब मोक्ष पाएंगे? गणधर देव बोले, इस समय तो वे नरकायु के बंध के योग्य परिणामों को कर रहे हैं। कारण क्या है कि जब उन्होंने राज छोड़ा था तब राज छोड़ते समय अपने छोटे बच्चे को सिंहासन पर बिठा कर आए थे, मंत्रियों से ये कह आए थे कि इसकी देखभाल करते रहना, मैं दीक्षा ले रहा हूँ। मंत्रियों ने कहा था हम पूरा आश्वासन देते हैं, लेकिन जब इन्होंने दीक्षा ली तो मंत्रियों ने उस बच्चे को जेल में बंद करके और स्वयं वो वहाँ के राजा बन बैठे। इत्तफाक की बात, उसी राज्य के कुछ प्रजा के लोग महाराज के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने महाराज के पास खड़े होकर ये चर्चा कर ली। इतनी चर्चा करनी थी कि महाराज के चित्त में एकदम मेरे राज्य का और मंत्रियों ने कैसे हड़प लिया, बच्चा मेरा था उसको राजा क्यों नहीं बनाया, ये परिणाम जो आए, गौतम स्वामी कह रहे हैं ये परिणाम नरक आयु के आश्रव के कारण हैं। क्यों? ममत्व परिणाम। छोड़ दिया हो और छोड़ने के बाद भी मेरा है तो नहीं छोड़ा, द्रव्य से तो छोड़ दिया पर भाव से कहाँ छोड़ा, वास्तव में तो भाव से छोड़ना ही छोड़ना है। यहाँ हम वहीं आ जाएं लौट के, प्रमाद के योग से मुनि महाराज के पास मान लीजिए शास्त्र पढ़ने के लिए चश्मा है, ये चश्मा प्रमाद का योग नहीं है इस चश्मे रखने में। क्यों चश्मा क्यों रखा? ताकि आहार में कोई जीव जंतु ना आ जाए, ताकि स्वाध्याय हो सके। पंचेंद्रियों के विषय सेवन के लिए अगर चश्मा लिया है तो प्रमाद में है, परिग्रह में गिना जाएगा। मुनि महाराज के पास शास्त्र हैं स्वाध्याय के लिए, पीछे का मंडलू हैं पर नहीं, ये संयम के, जीव रक्षा के, शौच के उपकरण हैं, ज्ञान के उपकरण हैं, ये परिग्रह में क्यों नहीं माने उन्होंने? क्योंकि ये प्रमाद नहीं है, इसमें प्रमाद के अनुसार नहीं, प्रमाद के भेद इनमें गर्भित नहीं होते, इसलिए ये परिग्रह में नहीं आते। यदि किसी मुनि महाराज के पास थोड़ा बहुत परिग्रह हो तो क्या वह मुनि मुनि नहीं माना जाएगा? आचार्य कुंद महाराज ने स्पष्ट लिखा है, यदि लेय अपबहुयम तत्तो पुण जाय निगोदम, इतना स्पष्ट लिखा है, यदि थोड़ा बहुत भी परिग्रह रखते हैं तो वे निगोद जाते हैं, आचार्य कुंद के वचन हैं। परिग्रह का त्याग द्रव्य से होना चाहिए और भाव से भी होना चाहिए, मैं सिर्फ आत्मा मेरा है, अन्य रंच बात्र भी मेरा नहीं, ये है अपरिग्रह का भाव। आज हमने क्या सुना? आज हमने पापों की परिभाषाएं अच्छी प्रकार सुनी। हम पापों की परिभाषाओं को अच्छी प्रकार सुने, समझें और विचार करें और देखें कि हमारे कहां कहां कौन कौन से पाप होते हैं, हम उन पापों को कितना कम कर सकते हैं और किस पाप को बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। सही बात तो ये है, बिना व्रती बने गृहस्थ का गृहस्थ जीवन नहीं, इसलिए व्रतों को तो धारण करना ही है। हमें आशा है कि आप व्रतों के धारण की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड,
दुर्गापुर 01 वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल।